सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी जस्ट कोचिंग पढ़ा के ओवर कर लिया और बच्चे अपने अपने घर जा चुके हैं। दिन के बज रहे हैं 8। सो गाइस, सबसे पहला तो काम ये है कि कुछ खाना खाते हैं जिससे कि बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आए। हे गाइस, अभी मैं पापा के साथ खाना खा रहे हैं। सो गाइस, दिस टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। सो गाइस, ये रहा ऋतिक का ब्रेकफास्ट, एक मारीगोल्ड और एक थोड़ी सी चाय। और ये मेरा है, इसमें मेरे को सब्जी है, थोड़ी सी दाल है, रोटी है। और गाइस फूड को एंजॉय करते हैं। सो हे गाइस, अभी दिन के बज रहे हैं 12, 12:30 बजने वाले हैं। सो गाइस, एक जरूरी बात आपसे करनी थी। एक्चुअली एक फैक्ट देखा गया है कि अगर आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना, किसी से कोई हेल्प मांगते हैं, कोई हेल्प नहीं करता। और जिस दिन आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो और वही लोग आपको फॉलो करते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे कि आप सौरभ जोशी को देख लीजिए, गौरव तनेजा को देख लीजिए, ट्रेगर निशांग को देख लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आज अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया। जब उन्होंने भी शुरुआत की थी तो गाइस कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई भी, लिटरली कोई भी सपोर्ट करने वाला। यहाँ तक लोग उनको हेट करते थे, उससे घृणा करते थे कि ये क्या पागलों की तरह वीडियो बनाता रहता है, ये अपलोड करता रहता है। तो गाइस एक चीज बता दें यार, अगर आप में औकात हो तो आप खुद करके देख लो, आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसा लगता है, ठीक है ना। क्योंकि आपके कैमरे के सामने आते ही आपकी फट जाती है, सीधी बात है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही है, तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके काम को अप्रिशिएट करिए, ठीक है। और गाइस, ये जो ना घृणा करने वाले और जो हेट पे फैलाने वाले जो ये लोग होते हैं ना, ये साले कुछ कर नहीं पाते लाइफ में, ठीक है ना। इनका सिर्फ दूसरों को देख देख कर इनका टाइम पास हो जाता है कि ये फला ये कर रहा है, फला वो कर रहा है। तो ये सब बातें अपनी अपनी जगह पर हैं। सो गाइस, तो जैसे मैंने भी शुरुआत की है तो मुझे अभी नियर अबाउट 5-6 महीने हो चुके हैं यूट्यूब पर, और मैंने भी फील किया, कई लोगों ने मुझको भी काफी ज्यादा हेट पहुंचाई है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, पहुंचाने दीजिए। तो इसी सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए गाइस, कभी कभी ना, जैसे कोई अगर आपको कोई हेट कर रहा है, कोई आपके काम से जलन कर रहा है, तो आप उस काम को और ज्यादा करिए, और ज्यादा उसमें वीडियोस बनाइए। तो गाइस यही सब प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने जरूरी बात करनी थी। सो गाइस, घृणा या फिर हेट या फिर कोई जलन वही करता है जिसको जिसके अंदर सामना करने की शक्ति नहीं होती है, साफ और सीधी बात। सो गाइस, बात अगर अच्छी लगी तो आगे जरूर शेयर कर देना कि जितने भी हेटर्स हैं मेरे, या जितने भी लोग इन ब्लॉग वाले को हेटर समझते हैं, ब्लॉग करने वालों से जलन करते हैं, उनको ये बात पहुंचे। गाइस शेयर जरूर करना, यही सब बातें थी। सो गाइस, अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। यार ये सब तो बकवास बातें हैं, हीटर्स को छोड़िए, हम और आप एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में। सो गाइस, दिन के बच्चे के 12:30 और अभी जस्ट लाइट आई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि लाइट का कोई ठिकाना तो होता नहीं गाँव में। तो हे गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30। और गाइस, अभी जस्ट मैं यहाँ पर बैठा हूँ और इतनी देर से मैं अपने नोट्स कंप्लीट करा, जो कि यहाँ जस्ट अभी एक नई चीज बन के आई है, मैं आपको दिखाऊं। सो गाइस, ये बन के आया है अपना मैंगो शेक, और इसको मैंने इसमें डाल लिया है। सो गाइस, ये मिक्सर ने नहीं बनाया, ये हाथ से बनाया गया। और तो अपने पास मिक्सी तो है नहीं, लेकिन फिर भी हाथ से जुगाड़ उगाड़ करके बना लिया गया है। सो गाइस, अभी इसको पीते हैं और काफी तेज नींद लग रही है, और तब से मैं लिख रहा हूँ। और गाइस सोते हैं और सीधे। सो गाइस, अभी मैं अपने आम के पेड़ के नीचे हूँ। सो गाइस, अभी चलते हैं, आम तोड़ते हैं। और बहुत सारे आम, आपको शायद अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, दिए देखो ये रहे आम। अरे गिरा गिरा गिरा, पता नहीं है, बच गया है, बच गया। सो गाइस, इसको रखते हैं हम लोग इसमें, इतने भी तोड़ेगा। तो गाइस ये गिरा है, देखिए इसकी क्या हालत होगी गिर करके। सो गाइस, ये रहे कुछ आम, हम लोगों ने तोड़ रखे हैं, कुछ पके हैं, कुछ नहीं पके, कुछ फूट चुके हैं, सबको अलग अलग सेपरेट करेंगे। सो हे गाइस, अभी शाम के बज रहे 7:15। तो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही, वीडियो एडिट करेंगे और वीडियो एडिट रहेगी तो ही आप तक वीडियो पहुंच पाएगी, 8 बजे तक मेरा ब्लॉग आ जाया करेगा। सो गाइस, यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।